आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई, सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा, मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है, देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।